राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सौगरवाल, एसडीएम खजनी अनुज मलिक, एसडीएम सहजन व सुरेश राय, एसडीएम कैंपियरगंज अरुण कुमार सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा बकाया धनराशि की वसूली की जाए, जिससे राजस्व को बढ़ाया जा सके। डीएम ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 साल से चल रहा है वसूली में। हमने 4 तहसीलों का निरीक्षण किया था, जो हम टॉप 10 वाली अपनी पत्रावलियां बनाते हैं। मेरा अनुभव यही रहा कि हम तहसीलदार साहब ने अपनी टॉप 10 वाली पत्रावलियां भी नहीं देखी है। उस समय भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपका जो साइट पर डेटा पड़ा है, अब सब कुछ एक्सेल ठीक है। जो हम टॉप 10 अभी जनपद स्तर पर बनाते हैं, उसमें भी सदर के ज़्यादा मैटर आ जा रहे हैं। और आप टॉप 10 के यहाँ एटलीस्ट एक कैंपियरगंज के विजिट के समय एसडीएम कैंपियरगंज साहब ने एक सर बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हम जो जमीनें कुर्क करते हैं उसको अपनी खतौनी में कुर्क लिख देते हैं, फिजिकली वो जमीन हम कभी नहीं लेते हैं। तो जब तक हम फिजिकली नहीं लेंगे तब तक उसकी नीलामी के लिए कोई नहीं आता है। तो हमने आपको मिनट्स में लिखवा भी देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी सैकड़ों प्रकरण है जिनमें कुर्क तो हो जाता है, मौके पर वही बोता रहता है, ज्यादा दबाव बना दिया तो खाली पड़ी रहती है और फिर नहीं हम उसको परचेज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करा लें और अगले महीने कुछ चुनिंदा केसेस में हम सर के स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को भेज लीजिएगा। और कितने कुर्क के पड़ा है जो गाँव में नंबर थी, उस पर तुरंत उसी पे ही पुलिस बैठक में किसी को दे दीजिए। तो बोल दीजिए मैं जो नीलाम ज्यादा बोलने वाले तो डायरेक्शन आज मिनट इसको क्या जाए सर। इससे आपकी ऐसा कार्य नहीं कर रहे, कुर्की हमारी पुरानी है, कुर्की नई तो है नहीं। तो ये जो अभी हाईकोर्ट वाला आदेश है वो उससे भी उस पर भी लागू नहीं होगा। तो मार्च के पहले की जो भी कुर्की है और कुर्की के आदेश चढ़े हुए हैं उस पर आप ये इम्प्लीमेंट करा लीजिए। आपके सैकड़ों केसेस ऐसे हो जाएंगे जिनमें दबाव बनेगा और पैसा आएगा। ठीक है, विजिट के समय ये दिखाई पड़े कि उस पत्रावली पे आपका कहीं साइन है, ये सभी तहसीलों की बात है।